दूरदराज के ग्रामीण लोगों एवं समस्याओं से जूझ रहे पात्र लोगों को उनके अधिकारों एवं कानूनी संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से सोलन में जिला वैधिक सेवा प्राधिकरण ने सोलन जिला न्यायालय परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जिला के करीब 40 पैरालीगल वॉलंटियर्स ने भाग लेकर नालसा संबंधी जानकारी ली, जिसमें उन्हें बताया गया कि किस किस मामले में वे न्यायालय से निःशुल्क सेवाएं ले सकते हैं। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य न्याय दंड अधिकारी मोहित बंसल ने बताया कि एक दिवसीय कार्यशाला में जिला सोलन के करीब 40 पैरामेडिकल वॉलंटियर्स के लिए कार्यशाला लगाई गई, जिसमें उन्हें नलसा संबंधी विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं अन्य कानूनी अधिकारों बारे जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए और वे बिना किसी भय से न्यायालय में आकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए एक दिन का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री भूपेश शर्मा जी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन ने की। इस प्रशिक्षण शिविर में पैरालीगल वॉलंटियर्स को विभिन्न स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर नालसा की स्कीम्स हैं जो मेंटली इल पर्सन्स पर, बच्चों पर, ट्रैफिकिंग पर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, बुजुर्गों के लिए तथा मादक पदार्थों पर कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसके बारे में बताया जाएगा। हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर तथा लेबर इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं, जो पैरालीगल वॉलंटियर्स को अपनी अपनी डिपार्टमेंट की विभिन्न स्कीम्स के बारे में बताएंगे। और इस शिविर के माध्यम से पैरालीगल वॉलंटियर्स को यही अनुरोध किया गया कि आप अपने सपोर्ट सेंटर्स में या पुलिस स्टेशन में या जो फ्रंट ऑफिस में जहां जहां ये लगे हुए हैं वहां जाकर इनका स्कीम्स का प्रचार प्रसार करें, ताकि जो आम लोग हैं इनका फायदा उठा सकें।